सीरत कमेटी ने आज तमाम उलमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सनीचर 21 सितंबर सुबह 9 बजे मनुषा मस्जिद से जुलूस निकलेगा। इस जुलूस में कोई नाच गाना नहीं होगा और कोई गलत नारे नहीं लगाए जाएंगे। यह जुलूस अमन और शांति के साथ निकाला जाएगा और इस सब का निर्णय सारे उलमाओं ने मिलकर लिया है। पुणे के तमाम उलमाओं ने मिलकर यह फैसला लिया है। जिस रोड पर यह जुलूस निकलता है उस रूट पर कई अस्पताल है और डीजे से लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए सीरत कमेटी ने फैसला लिया है कि आज के बाद डीजे मुक्त जुलूस निकलेगा। सीरत कमेटी के सदर ने कहा कि हमने तमाम उलमाओं से फतवा मंगाया है कि स्पीकर में कुछ भी लगाया जाएगा सबसे लोगों को तकलीफ होगी। सीरत कमेटी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, इस बार जुलूस की शान डीजे से नहीं झंडे और लिबास से होगी, और लोगों से यह भी कहा कि जुलूस इंशाल्लाह आज भी है, कल भी रहेगा और कयामत तक यह जुलूस निकलता रहेगा। मैं सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पूरे भारतवासियों को पेश करता हूं, और ये सब जितने भी उलमा हैं इन सब की जानिब से, जितने भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपका इस दुनिया में आना अमन और सलामती ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2024 में जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूना में 21 सितंबर शनिचर के रोज़ सुबह 8 बजे तैयारी करके हम 9 बजे मनुषा मस्जिद से निकल जाएंगे, और जिस तरीके से रास्ते बताए हुए वो अपने रास्तों से होते हुए जोहर की नमाज में जामा मस्जिद सिटी में वो ख़त्म होगा। ये जुलूस पाकिज़ा होगा, साफ़ सुथरा होगा, खुराफा से पाक होगा कि जिसमें तमाशा नहीं होगा और धिंगड़ मस्ती नहीं होगी, कोई किसी को गलत सलत नारे नहीं लगाएंगा, बल्कि अच्छे नारों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पीसफुल ये जुलूस इंशाल्लाह ये साल निकलेगा। ये सब निर्णय जो है ये पूरे उलमा ने लिया है, ये पूरे पूना शहर, गोंडवा, कातरज, हड़पसर, हंडेवाड़ी, वड़गांव शेरी और खड़की, इसी तरीके से दत्तावाड़ी और सीगढ़ के इलाकों से, और बहुत सारे सैयद नगर, गुलाम अली नगर, ये तमाम उलमा जो है मौजूद है, ये उलमा का फैसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीरत कमेटी और उलमाए पूना की क़यादत में ये जुलूस बड़ी शान और शौकत से निकलेंगे इंशाल्लाह। डीजे को लेकर क्या निर्णय हुआ है? पहले देखा है कि पिछले कुछ सालों से बड़े पैमाने पर डीजे लगा देता। डीजे से तमाम लोगों को तकलीफ है। जिस रूट पर ये जुलूस निकलता है उस रूट पर कई अस्पताल है, तो जब अच्छे चलते फिरते इंसान को जब डीजे से तकलीफ है तो मरीज की इन आवाज़ों से क्या हालत होती होंगी, इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। तो डीजो से और लेजर लाइट से सभी को तकलीफ़ है, इसलिए उलमाए किराम ने फतवे मंगाए और तमाम खानकाहों से, बुजुर्गान दीन की खानकाहों से और मदरसों से फतवे वाज़े तौर पर आया है कि इस पर कुछ भी लगाया जाए, गाने ही नहीं, इसके ऊपर कुछ भी लगाया जाएगा तो उससे तकलीफ ही होंगी इंसान को। हाँ, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है वो उनके ताल्लुक से कहते कि बहुत बड़ा उन्होंने भी हमारा साथ दिया है कि लाउड स्पीकर हो उसमें ना चलते नहीं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ जिससे सभी को तकलीफ़ है, और आने वाले कई सालों में या पिछले सालों में हमने देखा है कई लोगों को तकलीफ़ हुई और लोग अलग अलग मर्ज में, कई लोग इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। तो इस साल इंशाल्लाह हम पूरे पूना शहर में एक मिसाल कायम करेंगे, हमारा जो जुलूस होगा इस मरतबा डीजे मुक्त जुलूस होगा इंशाल्लाह। उस ताल्लुक से जो है पुलिस कमिश्नर, जॉइंट सीपी साहब और बड़े बड़े जो अहदेदारान हैं उन्होंने जिक्र किया है कि भाई जो वक्त सीरत कमेटी ने तय किया है, लिहाजा हम भी ये गुजारिश करते हैं मंडलों से, बज़मों से, जो गाइडलाइन जो है उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम ने बताई है और जो गाइडलाइन हुकूमत की है उसी के पेश नज़र आप लोग आकर हमारे साथ शामिल हो जाए, इसलिए कि रात के अंधेरे में जो जो चीज़ें होती है, खुराफात होती है, वो दिन के उजाले में नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ आ जाए, सब उलमा साथ में है, ये उलमा हमारी साल भर रहनुमाई करते हैं, इसलिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी इन उलमा की क़यादत में होना चाहिए। हमने पिछले कई सालों में जुलूस में देखा है कि उलमाए किराम इन जुलूसों से दूर रहती है,
इस साल कुछ ऐसा निर्णय हुआ है कि जितने भी जुलूस रहेंगे उसमें उलमाए साथ में रहेंगे। जी, वो इसलिए है कि हमारे जुलूस की शक्ल ही बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि उलमाए किराम के साथ साथ जो है एक संजीदा तबका भी वो दूर हो गया था कि ये क्या हो रहा है, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, इसके जुलूस की शक्ल क्या हो गई। लिहाजा अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरे शहर की 80% आवाम हमारे साथ है, माशाल्लाह तकरीबन 95% उससे ज़ायद उलमा, 100% उलमा हमारे साथ में है, और इंशाल्लाह एक अच्छी शक्ल बनाकर दिखाएंगे, एक मिसाल कायम होगी इंशाल्लाह इस साल के जुलूस की। आपने बात की उलमा इकराम में जो खुतबा दिया खुतबा इकराम में, तो इसमें जो जुलूस में डीजे लगाया जाता है, डीजे के ऊपर क्या निर्णय लिया, क्या फतवा दिया है? फतवा के रफा क्या उसका हैसियत है डीजे की? जी जी जी, उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम और खानकाओं से जब हमने फतवा मांगा इस सवाल पर कि डीजे पर नाच गाने लगाना और उस पर रुख्स सुरूर करना कैसा है, तो तकरीबन तमाम खानकाओं से और मदरसों से उसका जवाब यह आया है कि डीजे पर नाच गाने लगाना, उस पर रुख्स सुरूर करना सख्त मना है, और कुछ उलमा ने कहा हराम है। तो ये इसके पेश नज़र हम नबी के नाम पर एक काम ऐसा करेंगे जो हराम हो, जबकि हदीसों में मालूम होता है कि नबी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं तो वो उनके आमद का जो मकसद ये था कि वो ये गानों को और रक्स सुरूर को और उसके मौसीकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस नबी अकरम ने फरमाया कि मैं तो उसको तोड़ने के लिए आया हूँ, मेरी बेसत का मकसद ये, और आपकी पैदाइश के दिन ही हम उस चीज़ को करें तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए उलमाए किराम ने ये निर्णय लिया है, इसमें कोई भी ऐसा ना समझे, मैं उन भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ जो गलत समझे कि उलमाए किराम उनके खिलाफ में, और कोई ये भी टिप्पणी कर रहा है कि सीरत कमेटी चाहती है कि जुलूस बंद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सीरत कमेटी और उलमा हम आज है कल नहीं रहेंगे, जुलूस कयामत तक निकलता रहेगा। सीरत कमेटी और उलमाए पूना ने जो फैसला लिया उस बारे में आपने तफसील से सुना। मैं मोहम्मद उमर नईमी सदरुल मुदर्रिसीन जामिया कादरिया अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से और इन तमाम मौजूद उलमाए किराम की तरफ से, सारी अवामी अहले सुन्नत से, नौजवानान अहले सुन्नत से, आशिकान रसूल से पुरखलूस दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि तमाम हजरात अदब व एहतराम के साथ सही तरीके से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल हों। सभी उलमाए किराम ने, मस्जिदों के इमाम साहिबान ने और कमेटी के बहुत सारे जिम्मेदारान ने इस बात का निर्णय लिया, फैसला किया कि वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुलूस को तमाम खुराफात से और गलत बातों से और गलत कामों से साफ रखा जाए और इस तरह जुलूस ये निकले। दरअसल ये जुलूस जो है ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स और जितने बड़े बड़े जीनियस और मुफक्किरीन और स्कॉलर गुजरे हैं उन्होंने सब ने ये बात कही है, मानी है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अमन सुकून चैन भाईचारा और मोहब्बत का संदेश लेकर आए हैं। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बुराई बुरे लोगों से नहीं फैलती, अच्छे लोगों के खामोश रहने से फैलती है। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, जो कोशिशें जद्दोजहद अब तक लोग करते रहे उनकी तादाद कम थी इसलिए नतीजे बेहतर नहीं निकल पाए, मगर अब तादाद बढ़ चुकी है कोशिश करने वालों की और सब ताईद में है, सारे उलमाए किराम पूरे पूना शहर के अतराफ के और आवाम भी ताईद में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल कोशिश ये करें, बिलखसूस उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो मस्जिद से वाबस्ता है और जो उलमाए किराम से वाबस्ता है, मशाइखीन से जुड़े हुए हैं और जो जुलूस में अब तक इस वजह से शिरकत नहीं करते थे कि जुलूस में खुराफात हो रही है, डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं और फहाशी हो रही है, उन लोगों से मैं अब गुजारिश करता हूं और उनको बदू करता हूं तमाम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से और बिलखसूस सीरत कमेटी की जानिब से कि वो इस साल जुलूस में ज़रूर 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 शिरकत करें।